ट्रेन की छत से? हाँ सर, समथिंग इज रॉन्ग सर। किसने भी चढ़ा दिया? शुरू हो जाओ तुम। 4:30 बजे उस लड़की को कुछ मैसेज देकर भेजा, जैसे तू भी मेरे साथ बैठा था। 5 से 6:30 तक उस लड़के के साथ छत से नीचे उतरते हुए 6:30 पर इन्होंने उन्हें देखा। 7 बजे गाड़ी गुड्डूर पर रुके बिना निकल गई थी। उसके बाद टाड़ा को क्रॉस करते समय आरपीएफ वाले को गोली मारी। हमने मारी क्या? मतलब 4:30 से 6:30 तक उन्हें लगाया। तू स्टोरी राइटर है यार। बॉम्ब कहाँ लगाए? वो बॉम्ब ये। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो इंक्वायरी तो खत्म है। hey! मुझे बुलाया सर। चल इधर आ। ऐसे पूछने पर तू नहीं बताएगा। कैसे भी पूछोगे, नहीं बताऊंगा। टेररिस्ट एडम एनसी। मतलब आगे क्या करने वाले हो? वो तो तुम लोग जानते ही हो। तुम्हारे आदमी है ना? हाँ मेरे हैं। वेपन्स है उनके पास। खोलोगे तो पता चलेगा ना। जाओ जाकर खोलो। यार यार तुम लोग भी ना। अरे भाग रहा है। मैं मुझे क्यों? मुझे क्यों? मैं नहीं खोलूंगा। खोल, मुझे क्यों? तुम लोग खोलो सर, गेट खोलो। अरे तुम लोग सब चुप रहे हो और मुझे खोलने के लिए कह रहे हो। बैठ जाओ सब। हटो। मैं नहीं खोलूंगा। नहीं खोलता हूँ। खोल रहा हूँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। क्या हुआ, ये क्या करके बताओ? सर पता नहीं कौन थे सर, वो लोग ग्रुप में आए और हमारे गहने पैसे सब ले गए सर। जी हाँ सर, वो लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे। पेंट्री का डोर मैंने ओपन करवा दिया, अब देखते हैं क्या होगा। हमारे सारे गहने पैसे लेकर चले गए सर। क्या हुआ भाई? हमारे पैसे गहने लूट लिए गए, उसी की इंक्वायरी चल रही है। कितने लोग थे वो सर? मैंने रिकॉर्ड किया सर। तो स्नाइपर्स टीम ने जिन्हें शूट किया वो लोग टेररिस्ट नहीं थे। They were all robbers. गड़बड़ है तो पता लगा लिया। Thank God. तो फिर वो टच अप वाली लड़की, तुम और मुखी। गाड़ी सब मेरी तरफ घुमा लिया करो सर। डोर ओपन होने के बाद नई कहानी शुरू हो गई है, अपना ध्यान उस तरफ लगाइए। वो टच अप वाली और मुखी कुमार मेरी तरफ बेकसूर है सर। भरोसा मत कीजिए इस आदमी का। तुम सीरियस रहो सर। वो लड़की सुबह उससे मिलने के लिए ही पेंट्री में आई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। बिना पैक जाने मुझे आतंकवादी मंत्रवादी बनाने लगे। ये आतंकवादी नहीं है सर। हाँ। ये पेंट्री चलाने वाला गधा है। झूठ क्यों बोला था सर? मुखी और वो लड़की आतंकवादी नहीं है सर, ये तो कंफर्म सर, ये आतंकवादी है। अब तुम जरा चुप रहोगे भाई, साहब को सारी हकीकत पता चल चुकी है। अब उसके बाद भी ये तुम्हारी बात मानेंगे? इतने बड़े वो बंद रख। तुम दोनों ने ड्रामा बंद नहीं किया तो गोली मार दूंगा। मार दो सर, अगर एक्स्ट्रा 2 पकौड़े मांग लो तो मना कर देता है। अकल नहीं है तुम्हें? टीटीआर हो ना तुम? जरा से भी सीरियसनेस नहीं है। हेलो मुखी, कौन है वो? वही है सर, मुखी और लड़की, इनकी बातें सुनाई दे रही। मुखी इधर आओ सर। मेरी आवाज आ रही है? मुखी कुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा आप कौन बोल रहे हैं? मुखी कुमार, मैं कैप्टन अरविंद बोल रहा हूँ। सर ये लड़की इंजन में फंसी हुई है सर। तो तुम वहाँ क्यों गए? सर वो मेरी जान है। क्या क्या कहा? हेलो हेलो मुखी कुमार, सर वो मेरी जान है, किसी भी तरह उसे बचा लीजिए। हेलो सर, हेलो। मुखी कुमार, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। एक बात आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि ट्रेन का लोकेशन इस वक्त यहाँ पर है। सो व्हाट वी हैव टू डू? सुल्तान सर, डीसी एक्सप्रेस से कैप्टन अरविंद। वन सेकंड, कैप्टन अरविंद, डीआईजी सुल्तान हियर। अरविंद, ट्रेन की छत पर 6 टेररिस्ट थे, लेकिन ट्रेन के अंदर कितने टेररिस्ट हैं उनका एग्जैक्ट नंबर बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन पर जितने भी लोग थे वो टेररिस्ट नहीं थे, सब रॉबर्स थे। तो इंजन के पास वो लड़की और उसके पास कंपार्टमेंट पे वो लड़का? वो लड़का एक साधारण सा वेंडर है सर, और वो लड़की एक हीरोइन की टचअप गर्ल है सर। मैंने पता कर लिया, वो दोनों इनोसेंट हैं। मिस्टर अरविंद, कोई आतंकवादी ये नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी है, इनोसेंस का नाटक करते हैं। आई होप यू नो दैट। इसके अलावा मीडिया के लोगों का भी कहना है कि वो लोग आतंकवादी हैं। आपकी बात पर डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो आतंकवादी नहीं है। मिस्टर अरविंद, यू डू वन थिंग, उनसे मेरी बात कराइए, इसके बाद ही वो इनोसेंट है या टेररिस्ट है मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। कैन यू डू दैट? इज दैट पॉसिबल? नो वे सर, इट्स इम्पॉसिबल। उन दोनों के पास बात करने के लिए सिर्फ वॉकी टॉकी है। जी हाँ सर, और इस वॉकी टॉकी से सिर्फ 7 किलोमीटर की रेडियस में ही बात कर सकते हैं। सर आप चेन्नई में हैं, इसलिए उन लोगों से बात करना नामुमकिन है सर। लॉजिकल इट्स इम्पॉसिबल सर। इट्स पॉसिबल सर? हेलो, प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता। श्योरली आई कैन मेक इट सर। सर उन्होंने क्या कहा सर? ये आतंकवादियों का काम नहीं है। तो फिर ट्रेन में हो क्या रहा है सर? देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने इंग्लिश में कहा, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। चलिए मेरे साथ।
ये छलनी लेकर क्या करेगा? आटे से बिजली पैदा करने वाला है क्या? मुखी मुखी मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सर सुनाई दे रहा है। सर कांटेक्ट हो गया। अब ये वॉकी टॉकी मोबाइल से कनेक्ट हो गया सर। अब इस वॉकी पर जिसे भी बात करनी है उन्हें इस मोबाइल पर फोन करवाकर इनसे बात करवा सकते हैं सर। वन सेकंड सर। कैप्टन अरविंद स्पीकर ऑन करो। यस कैप्टन बोलिए। सर वो वॉकी टॉकी हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है, अब आप उनसे बात कर सकते हैं। बात ही कर रहे हैं सर। मुझे उस लड़की से बात करनी है। उस लड़की से क्या बात करनी है सर? बोलिए सर। ये सुनो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होने कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी क्या डिजायर है? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट्स योर रैंसम? तुम्हें जो भी चाहिए गवर्नमेंट देने को तैयार है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ी सी सिंगर बनना है सर। व्हाट, नाटक कर रही हो? नहीं नहीं, एक्टिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ओनली सिंगिंग सर। मैं मान लूं तुम सिंगर हो? अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी चित्रा दीदी मानो सर और शुभाजी से पूछ लीजिए। मैं कई बार उनके सामने गा चुकी हूँ। उन्होंने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ। अरे बचाने के लिए बोल। सर मैंने कहा था ना वो लोग इनोसेंट हैं। आई थिंक शी इज नॉट इनोसेंट सर। पागल लगती है। जब ये बात आपको पता लग ही चुकी है तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं। इस पागल की बात मत सुनो, हमें आकर बचाओ। मुझे पागल कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैंने तो उनको बोला। तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो, तुम्हें ऐसे कौन बोल सकता है? वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे, वो लोग ही पागल है। सरोजा, लोको पायलट को क्या हुआ? पायलट? इंजन ड्राइवर को बेटी। उनकी नाक और मुंह से खून निकला और फिर वो बेहोश होके गिर गए। What? सर आई थिंक ही हैज। कहाँ चले गए? मतलब ये आतंकवादियों का काम नहीं है? अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है तो पक्का ये ह्यूमन एरर है, इसीलिए टेक्निकल समस्या की वजह से ट्रेन बिना रुके चल रही है। ये ट्रेन अगवा की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अगवाई के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। टॉर्चर मुझसे सहा नहीं जा रहा है, दिल का ताड़ बना के रख दिया। मिस्टर विजय कम हियर, तुम चैनल वालों को पहले ये बोलो ट्रेन को आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन चलती जा रही है। अब तक जो कहा बहुत है, मुंह बंद करने के लिए कह दो अब उनके। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस आतंकवादियों द्वारा अगवा नहीं की गई है। ये बात साफ हो चुकी है कि ट्रेन के ऊपर जो लोग थे वो दरअसल लुटेरे थे। इसके अलावा मुखी जो चाय बेचने वाला है और वो लड़की टचअप करने वाली लड़की है, तो ये ट्रेन केंद्रीय मंत्री के लिए आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब हम मुझे तो पहले ही डाउट था सर, आतंकवादी इंपॉर्टेंट लोगों को ही अगवा करते हैं। मुंह बंद कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इंसान इतना बड़ा इंसान बिल्कुल नहीं है, वो एक नंबर का। अब इसे भी बंद कर दे। ओके सर, वी आर गोइंग टू फेस अनदर प्रॉब्लम सर। ओके सर। जैक, भगवान के लिए पैनल बोर्ड से पीछे हटकर अपनी पैंट हिलाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या सर? ट्रेन इज क्रॉसिंग पोनेरी टू। पोनेरी से मिंजूर ट्रैक है, ट्रेन उस पर जा रही है, उसमें क्या परेशानी है सर? बताओगे? सर मैं बताता हूँ सर। सर पोनेरी मिंजूर के बीच जो ब्रिज है वो बहुत ही वीक है, अगर उस पर से ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो ही वो ब्रिज टिक पाएगा। लेकिन अभी ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अगर इसी स्पीड में ट्रेन चलती रही तो पक्का वो ब्रिज टूट जाएगा सर। सॉरी, वी आर गोइंग टू लूज द ट्रेन सर। अरे वो ओल्ड ब्रिज पता चल गया है तो उस ओर क्यों जाने दे रहे हो? क्या यार, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। हमें बताते क्यों नहीं क्या हो रहा है? सीधी तरह जवाब दीजिए ना। देखिए आप इसका सीधा मतलब ये है कि सारे लोग अपना मुंह बंद करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। आप जाकर अपनी जगह बैठिए, जाइए आप लोग। आप लोग जाकर अपनी सीट पे बैठिए। हे, हाँ बोलो, आखिरी बार बोल ही लो। 7 मिनट बाद जब ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस करेगी तो एक साथ ऊपर जाओगे। आप जाकर अपनी जगह बैठिए, जाइए आप लोग। अरे मैं भी जाकर अपनी सीट पे बैठिए। चलो 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 उधर। ये चल रहे हैं नशेड़ी, चल झूलना मत कर। जल्दी करो। The train is running non-stop due to some technical problem. The situation is. देखिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों को ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। Stay tuned to L News. हाँ ठीक है सर, ब्रिज पे चलो। हेलो, कैसे इंसान हो तुम लोग, क्या बातें कर रहे हो?
तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है क्या सर? हाँ, ट्रेन में सारे पैसेंजर्स की हालत खराब होगी और तुम बहस कर रहे हो कि ब्रिज गिरेगा या नहीं गिरेगा। चैनल के टीआरपी के लिए तुम कुछ भी बोलोगे क्या? अगर